भाई कृपया शांति बना लें। जितने भी लोग बैठे हैं जो मुझसे पढ़ने और मुझे सुनने आए हैं, है ना, जिस मकसद से आप यहाँ बैठे हैं मुझे सुनने के लिए, तो कृपया मेरी बातों को सुने। अगर कल का कोई डाउट हो, कल जो आपने पढ़ा उससे संबंधित कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल आप पूछें जो आपको समझ में कल नहीं आया हो, अगर विषय से जुड़ा हुआ है तो, यदि विषय से हटकर है तो क्लास के बाद हम आपको टाइम देंगे, आप अपने सारे प्रश्नों को क्लियर कर लीजिएगा। मैं तो ट्रेखा कल आधा छोड़कर चला गया था, नाम लिखकर चला गया था, आधा से ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ है। कल तटरेखा का नाम हमने लिख दिया था, जानकारी के लिए हम लोग बता देते हैं, इसको लिखा था हमने बंग तट। अभी कुछ बोलना नहीं आप लोगों को, देखना है सिर्फ। जो लोग कल नहीं आए थे उनको बता दें कि भारत में जो समुद्र का तट है, सुनो, भारत में जो समुद्र का तट, ये जो चैप्टर है ना इसको समाप्त करते ही आज हम माउंटेन शुरू करेंगे, भारत का पर्वत, क्लियर है। तो देखो भाई, बंग तट इसको बोला था हमने उत्कल तट। भारत में जितने भी राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं, प्रत्येक राज्य में उन तटों का अलग अलग नाम है, ये बात कल कर चुके थे, उनका अलग अलग नाम है। और नाम याद करना भी बड़ी इजी है, कुछ ही नाम अलग है, सारे नाम राज्य के नाम पर है। उड़ीसा को उत्कल कहते हैं, बंगाल को बंगा बंग कहते हैं। वैसे बता दूं, उड़ीसा का एक और भी नाम है, उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग भी कहते थे, उड़ीसा को हम लोग उंड्र भी कहते थे, उंड्र, और बंगाल को बोलते थे पुंड्र। सही बात है भाई, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे, उत्तरी बंगाल के हिस्सा को पुंड्र, और उड़ीसा के उत्तरी हिस्सा उड़ीसा को उंड्र, और तटीय उड़ीसा को कलिंग। ये प्राचीन काल में, प्राचीन काल में ऐसा आपको लग रहा है, कुछ लोग सोच रहे कि सर अपने मन से तो नाम नहीं थी उड़ीसा का उंड्र, ये नाम था उड़ीसा का, ठीक है। तो भैया उड़ीसा को उत्कल तट, बंगाल के तट को बंग तट, और आंध्र प्रदेश के तट को, चूंकि एक माइन है आंध्र प्रदेश में, एक माइन से डायमंड निकलता है वहां से, उसका नाम है गोलकुंडा माइंस, तो इसलिए गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, या कुछ लोग को लगता है ठीक बात नहीं है तो आंध्र तट, आंध्र तट, और तमिलनाडु के तट को पायन तट। ये याद करना पड़ा होगा केवल, क्योंकि ये तमिलनाडु से कोई लेना देना इसको नहीं है। पायन तट ये आंध्र प्रदेश का तट, ये उड़ीसा का तट, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए फटाफट कर देता हूँ, ये बंगाल का तट, जो आज आए हैं या जो लोग एप्लीकेशन से आज जुड़े हैं उनके लिए, है ना, जितना हो रहा है उसको सीखिए, और बाकी जो छूटा है वो क्रम में आपको आ जाएगा फिर से दोबारा, इसलिए चिंता करके मत बैठिएगा कि मेरा छूट गया है, किसी का कुछ नहीं छूटा है, क्लियर है। जो है वर्तमान में उसको सहेजना है, वरना मान लीजिए पिछले बात को सोचते रहे कल कुछ छूटा है तो आज वाला भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, यहाँ होते हुए भी छूट जाएगा। केरल के तट को मैंने कहा था मालाबार तट, मालाबार तट, उसके बाद हमने कहा था कर्नाटक के तट को कन्नर तट, सॉरी कर्नाटक के तट को कन्नर तट, या इसको एक और नाम बोले थे कनारा तट, कन्नर तट बोलो या कनारा तट बोलो कर्नाटक के तट को, और मालाबार तट किसको बोलते थे भैया, केरल के तट को। आपने सुना होगा हिस्ट्री में एक मोपला विद्रोह हुआ था, हिस्ट्री में मोपला रिवोल्ट, वो मालाबार में ही हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा, ये गोवा है, ये गोवा है और ये महाराष्ट्र है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है कोंकण तट। कोंकण तट अंग्रेजी में नेम है, यह इसका इंग्लिश भी सेम होगा, बंग कोस्ट, खाली बंग लगा के कोस्ट लिख देना, उत्कल कोस्ट सेम चीज, नेम है ये। और गुजरात के तट को बोलते हैं गुजरात तट, गुजरात तट, और ऊपर वाले को बोलते हैं कक्ष तट, और नीचे वाले को बोलते हैं काठिया, काठियावाड़ तट, कक्ष तट और काठियावाड़ तट, लाइट शायद, कक्ष तट और काठियावाड़ तट, मैंने कहा था आप लोगों को, क्लियर है, यहां तक बता दिया था। गुजरात तट में आप देख रहे होंगे दो भाग है, एक ऊपर का हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर के हिस्सा को कक्ष
और नीचे वाले काठियावाड़। कल बताया भी था गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में हुआ था, यानी ऊपर में नहीं, इधर ही कोई जगह था जहां उनका जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर, काठियावाड़ के पोरबंदर में। हम ये भी बताया था कि जिसके नाम के आगे बंदर लगा हो, बंदर लगा है मतलब समुद्र के किनारे का शहर है, जैसे गुजरात में ऐसे कई बंदर हैं। गांधी जी के वैसे 3 बंदर तो थे ही, लेकिन कई बंदर हैं वहाँ, पोरबंदर, जड़ी बंदर, सोमनाथ, द्वारका, कोडिनार, ओखा, बेरावल, ये सब बंदरगाह के नाम बोल रहा हूँ, है ना। काठियावाड़ में कई बंदरगाह हैं, कक्ष से तुलना में ज़्यादा बंदरगाह काठियावाड़ में है। ये सब नाम जो बोला अभी वो काठियावाड़ के बंदरगाह का नाम बोल रहा था, कौन कौन, पोरबंदर, जड़ी बंदर, सोमनाथ, द्वारका, कोडिनार, ओखा, बेरावल, ये सब बंदरगाह के नाम है। ऐसे छोटे छोटे करीब 200 बंदरगाह हैं, कल चर्चा किया था, और 14 बड़े बंदरगाह हैं। 14 बड़े बंदरगाह, प्रत्येक राज्य में एक एक बड़े बंदरगाह हैं, लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जहां 3-3 बड़े बंदरगाह हैं प्रत्येक राज्य में। यही अंतिम पॉइंट छूटा हुआ था इस चैप्टर में जो कल नहीं करा पाए थे आपको। प्रत्येक राज्य में 14 में से प्रत्येक राज्य में कितने बंदरगाह, जितने राज्य तट को छूते हैं उन सभी में एक एक बड़े बंदरगाह हैं। मतलब बंगाल के तट पर भी एक बड़ा बंदरगाह, उड़ीसा के तट पर भी एक बड़ा बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में भी एक बड़ा बंदरगाह, तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ 3-3 बड़े बंदरगाह हैं। बाकी केरल में भी एक बड़ा बंदरगाह, कर्नाटक में भी एक बड़ा बंदरगाह, गोवा में भी एक बड़ा बंदरगाह, महाराष्ट्र में 3 बड़े बंदरगाह, महाराष्ट्र में 3 बड़ा बंदरगाह, गुजरात में काठियावाड़ में कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है, कक्ष में एक बड़ा बंदरगाह है। क्लियर है, जो बड़ा बंदरगाह है 14 उसमें से काठियावाड़ में बड़ा बंदरगाह नहीं है, कक्ष में एक बड़ा बंदरगाह है, सबका नाम बताएंगे। और एक बड़ा बंदरगाह स्टूडेंट आप देखे होंगे, ये अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है, इसमें 4 अंडमान है, और नीचे में आइएगा तो 2 निकोबार है, एक ग्रेट निकोबार, एक कार निकोबार। क्लियर है, आपने जाना होगा, इसको बोलते हैं जी ए ग्रे, क्या ग्रेटर अंडमान या बड़ा अंडमान, इसको बोलते हैं, या उत्तरी अंडमान भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी अंडमान, इसको एनए भी बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं मिडिल अंडमान, इसको बोलते हैं साउथ अंडमान, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, इसको बोलते हैं कार निकोबार। आइए 10 डिग्री चैनल है, ये क्या भैया, 10 डिग्री चैनल का मतलब कुछ चैनल नहीं है बल्कि 10 डिग्री लैटिट्यूड है। आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा कि ग्लोब के ऊपर कई सारी लाइनें होती है पूरब से पश्चिम, उस लाइन को लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश। कई सारे अक्षांश हैं धरती के ऊपर पूरब से पश्चिम खींचा हुआ, उनमें से एक लैटिट्यूड है 10 डिग्री। संजोग की बात है कि अंडमान और निकोबार के बीच से कौन गुजरती है, 10 डिग्री लैटिट्यूड। क्वेश्चन कई बार आ चुका है सिंपली हर एक एग्जाम में, 10 डिग्री लैटिट्यूड किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। सब अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये जो साउथ अंडमान है उसी में अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी, क्वेश्चन आता भी है ये किस अंडमान में है, साउथ अंडमान में। इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, पोर्ट ब्लेयर में क्या है जी, सेलुलर जेल है, जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी इतिहास में, सुनते होंगे काला पानी की सजा, ऐसा सुना है आप लोगों ने, एक बार काला पानी मिलता था आपको 25 साल का जेल हो जाता था। एक व्यक्ति थे बीडी सावरकर, उनको 50 साल का जेल हुआ था, दोहरा काला पानी मिला था उनको। तो 10 डिग्री ये पोर्ट ब्लेयर है, इसी मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में लाइन मत खींचिएगा, इस कॉर्नर पे हिंद महासागर में यानी बंगाल के खाड़ी में ही एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है, बैरन द्वीप, एक ज्वालामुखी द्वीप है, ये एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया में भी एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया में भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी समझते हो ना, वोल्केनो समझते हैं ना भाई, अंदर से गर्म लावा, पिघला हुआ लावा जब बाहर निकले, जिस मुंह से निकले उस मुंह को ही बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी, और उसके अंदर जो प्याली जैसा आकृति बन जाए उसको बोलते हैं क्रेटर, और क्रेटर का मुंह बड़ा हो जाए तो उसी को बोलते हैं कालडेरा। क्लियर है, ये सब जानना बाद में है, पहले इतना जान जाइए। तो बैरन द्वीप,
और थोड़ा सा नॉर्थ अंडमान के थोड़ा नॉर्थ में आ जाइए तो यहीं पर है नारकोंडम द्वीप, ये भी ज्वालामुखी द्वीप ही है नारकोंडम, इस ये भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, यहाँ भी क्या होता है ज्वालामुखी उद्गार, सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है यहाँ पर। तो नारकोंडम थोड़ा सा और मैपिंग, थोड़ा सा क्या करूँ मैपिंग में हम लोग आ गए, और ऊपर थोड़ा बढ़िए नॉर्थ अंडमान के सीधा सामने ऊपर बढ़िए तो यहाँ पर कोको द्वीप है। कौन सा द्वीप है भैया? कोको द्वीप, ठीक है ना भाई, जो नहीं बनाए थे साइड में बना लीजिए इस चीज को, उसके बाद हम मेंशन करते हैं। इसका नंबरिंग दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह लिखने का नहीं है, बंदरगाह के नाम लिखने, बड़े बंदरगाहों के नाम लिखने का प्लेस हमारे पास नहीं है, रफ हो जाएगा, तो नंबर कर दीजिए। एक बंगाल वाले में नंबर एक, उड़ीसा वाले में नंबर दो, तीन, चार, पाँच, छः, तीन बंदरगाह अकेले कहाँ है भैया? कौन से तट पर? पायन तट पर। तीन बंदरगाह अकेले कहाँ है? पायन तट पर। अकल एक चीज़ और बताया था कि बंगाल उड़ीसा दोनों के तट को मिलाकर बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, याद है ना आप लोगों को, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। और बताया था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर क्या बताया था? कोरोमंडल कोस्ट, याद है ना? हाँ जी, उत्कल तट और बंग तट, इन दोनों को मिलाकर अगर पूछे कोई कि क्या बोलते हैं बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर क्या बोलते हैं, जैसे आपने क्या पूछा कि सर बंगाल उड़ीसा को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो मिलाकर कहते हैं उत्तरी सरकार तट, मिलाकर क्या बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, सरकार को गवर्नमेंट नहीं कर देना है, वो नाम ही है सरकार, CIR CAR, नॉर्दर्न सरकार तट, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, दोनों को मिला के पूछे तो, अकेले अकेले पूछे तो उत्कल कोस्ट और बंग कोस्ट। और नंबरिंग इसलिए कर दे रहा हूँ ना कि भाई यहाँ लिखेंगे तो फिर रफ हो जाएगा, आप भी समझ नहीं पाएंगे। छः, एक सातवें नंबर वाला आ गया मालाबार तट पे, आठवां नंबर हो गया कर्नाटक में, नौ नंबर गुजरात, तीन लाइन से क्या है भैया महाराष्ट्र में, 10, 11 और 12, और ये गुजरात में 13, 14 बोला था ना, 14, एक पोर्ट ब्लेयर जो लिखा हूँ ना ये 14वां बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर जो लिखा हूँ ये 14 लार्जर पोर्ट की बात करें, इंडिया में कितने लार्जर पोर्ट हैं, लार्जर पोर्ट कितने हैं, 14, तो 14 हो गया सभी स्टेट में एक एक। बाकी आपको इससे जो प्रश्न आएगा वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसमें जो प्रश्न आएगा दो तरह के प्रश्न आएंगे, एक तो बंदरगाह का डायरेक्ट पूछ लेगा पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग, इधर चार बंदरगाह का नाम दे देगा, चार स्टेट का नाम दे देगा और मिलाइए, एक क्वेश्चन तो ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा कठिन कर देगा वो ये करेगा कि बंदरगाह का नाम देगा, पोर्ट का नाम दे देगा और इधर दे देगा तट का नाम, पायन तट, गोलकुंडा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, अब मिलाइए किस तट पे कौन सा बंदरगाह है। अगर आपको राज्य का नाम खाली याद है तब भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, आपको राज्य के नाम के साथ साथ आपको तट का नाम भी याद रखना पड़ेगा तभी वो क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने या साउथ से नॉर्थ अरेंज करने, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और कठिन किया तो क्या कर सकता है यूपीएससी कि भैया इधर के दो दे देगा और इधर के दो दे देगा, अब बोले इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, तब फिर मामला बड़े बड़ों का पसीना वहां छूटेगा कुछ समय के लिए, समझ आ रहा बात ना, इससे ज्यादा यूपीएससी का औकात नहीं है, हम जानते हैं क्या यूपीएससी पूछती है, इससे ज्यादा नहीं पूछती हो, क्लियर है, हम यूपीएससी को औकात में नहीं ला रहे क्योंकि उसको औकात में लाना मुश्किल काम है, किसी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन इस मैपिंग के सेक्शन में वो इससे ज्यादा नहीं जाएगी, तटरेखा में अगर मैप पूछती भी है तो दोनों तरफ का देकर पूछ लेगा। बोलो बोलो, तो हम देंगे आपको क्वेश्चन, अब यहां पर क्वेश्चन जनरेट करेंगे, हम दे देगा, मान लो कि एक दे देगा कोचीन, एक कोची दे देगा, एक तुतीकोरिन दे देगा, कोची थोड़ा ऊपर है, तुतीकोरिन थोड़ा नीचे, अब लिखिए नंबर एक पे कौन सा बंदरगाह है, नंबर एक पर लिखिए, वन नंबर पे लिखिए हल्दिया, एक नंबर पे लिखिए बंगाल में हल्दिया, अच्छा मैप बनाना है अभी वो तो एक चीज और, आप लोग राय और दे रहा हूं, आप लोग प्लेन पेपर का इस्तेमाल करें, देखिए आपको बीपीएससी मेंस देंगे या यूपीएससी मेंस देंगे, पूरे भारत में कहीं भी मेंस देने जाइए, लिखित परीक्षा जो होती है हमेशा प्लेन पेपर ही मिलता है आपको। और एक चीज और, मैप वगैरह का काम तो प्लेन पेपर ही ज्यादा उचित होता है, मैप वर्क के लिए सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, प्लेन पेपर। एक अकेला बोर्ड है जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां के मेंस एग्जाम में आपको रूलदार पेज मिलता है अकेला, बाकी यूपी जाओ सभी जगह का मेंस में दिया उसने बता रहा हूं, राजस्थान जाओ, यूपीएससी जाओ, बीपीएससी आओ और
कहीं चले जाओ प्लेन पेपर मिलता है मेंस में, केवल झारखंड में रूलदार मिलेगा, और सबसे ज्यादा पेज मिलेगा झारखंड में ही आपको, सब जगह मिलेगा 36 पेज, झारखंड में मिलेगा आपको 50 पेज, और मात्र 4 प्रश्न लिखना होगा। सबसे बड़ी बात, इतना बुरा लगता है कि 4 प्रश्न का उत्तर 20 पेज में खत्म हो जाता है, अब बाकी कितना बच गया, 30 पेज बच गया, और वो बोलते हैं कि जितना बच जाए वो क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस करिए फिर बैठ के आराम से, बचा हुआ पन्ना काटना होता है, हर जगह नियम होता है ये कि जो बचा हुआ पेज हो उसको क्या कर दें, कंप्लीटली क्रॉस कर दें, ताकि बाद में कुछ निकलवा के आप लिख ना दें उसमें, इसलिए क्रॉस करवाया जाता है। तो ये होता है, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अब 30 पन्ना बैठ के काटिए, और सबसे बढ़िया पेज मिलता है झारखंड में, पेज की क्वालिटी अच्छी, और सबसे घटिया पेज बिहार में 1950 में लगता है छपवा लिया है कॉपी सर, और वही कॉपी आके बांटता है, जोर से अगर दबा के लिख दे तो पन्ना फटते चला जाएगा एकदम, मतलब जिसको तेल गिर जाता है जिस पेज पर, वैसा पेज देता है बीबीएससी, सबसे गरीब आयोग। अब क्या करता है, हाँ पैसा फॉर्म भरने का सबसे ज्यादा फॉर्म भरने का खर्चा ही लगता है, मेंस का फॉर्म 850 रुपया लेता है, अब पीटी के फॉर्म में भी काफी पैसा लेता है, और झारखंड 100 रुपया भरवा रहा था फॉर्म, झारखंड में 100 रुपया ही लगा था, इस बार 100 रुपया लिया था, गर्ल्स का तो फ्री है यूपीएससी में, आईएएस सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम में पैसा नहीं लगता आप लोगों का, हो गया लिखे नंबर एक पे लिखे, हाँ जी 850 मेंस का फॉर्म डालेंगे ना आप तो उसका चार्ज लगता है, ठीक है। अब पीटी के फॉर्म में तो हार्ड कॉपी भर के छोड़ दीजिए, सबमिटेड फॉर्म भरा गया, अब मेंस में आपको हार्ड कॉपी निकालना है, सारे डॉक्यूमेंट को पिन करना है, लिफाफा में बंद करना है, स्पीड पोस्ट का भी करना है बीपीएससी को, उसमें पेमेंट स्लिप को भी जेरोक्स करवा के सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट पर भेजना होता है, और उसमें 850 रुपया लगता है मेंस के फॉर्म भरने में, क्या हाँ जो भी है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको तो अब पीटी निकल गया तो लोग लगता है कि अब शायद एसडीएम बन जाएंगे अगली बार, तो 850 क्या है, कुछ नहीं है, दे देते हैं, तो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए लोगों को, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम लोग सरकार के साथ चलें, चूँकि सरकार में ही काम करना है आगे जाके, है ना, आगे चलते हैं। तो लिखिए नंबर एक, नंबर एक पे लिखो जल्दी से, हल्दिया नंबर एक पे लिखिए, हल्दिया नंबर दो पे लिखिए, पारादीप नंबर एक पे हल्दिया, नंबर दो पे लिखिए पारादीप, पारादीप, अरे भैया पारादीप क्या दिक्कत है भाई, पारादीप या कहीं कहीं प्रदीप भी देता है, कुछ बोर्ड तो ऐसा है, भारत का राजस्थान बोर्ड, आरपीएससी का पेपर मैं स्वयं देने गया था 2008 की बात है, तो आप पारादीप नहीं पूछा था, पूछा तो प्रदीप बंदरगाह कहाँ है, अब हम टेंशन में आ गए कि प्रदीप बंदरगाह तो नहीं है, पारादीप तो सुना हूं, चलो जो सुना वही लगा देता हूं, आखिर अंत में आया वही बात, पारादीप ही पूछ रहे थे वो, पर उनका टाइप मिस्टेक से क्या हो गया था प्रदीप, तो लिखिए पारादीप प्रदीप दोनों बगल में लिख लीजिएगा, कभी आरपीएससी का प्रीवियस पेपर आप लगाएंगे, मैं हमेशा राय देता हूँ आपको प्रीवियस पेपर आपको लगाना है, आपकी कोर्स हुआ है नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आप फर्स्ट डे से ही अपना प्रीवियस पेपर पर काम कीजिए, डेली 100 क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर का सॉल्व करना है, सच में निकालना है, चाहते हैं कि बीपीएससी का प्री मेंस या यूपीएससी का निकालना है, किसी का भी पेपर निकालना हो, आप प्रीवियस पेपर लगाना शुरू कर दीजिए, कोर्स का इंतजार नहीं कीजिए, प्रीवियस पेपर का कोर्स से कोई संबंध नहीं है। नंबर तीन पे लिखिए, तीन पे लिखिए विशाखापत्तनम, नाम सुना होगा आपने, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है, लेकिन तट भी पूछ सकता है, गोलकुंडा तट। देखिए जो क्वेश्चन का टाइप मैं बताता हूँ ना, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ये बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको वहां तक हम पहुंचाएं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, ये मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है आपको सोचने के लेवल को हम क्या करें, पहुंचाएं, ताकि आप उस लेवल तक प्रिपेयर हो सकें। चलो भैया विशाखापत्तनम, उसके बाद विशाखापत्तनम आपने सुना होगा हुदहुद एक चक्रवात आया था, इंडिया में एक हुदहुद साइक्लोन आया था, सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाया था, विशाखापत्तनम पोर्ट को ही नुकसान पहुंचाया था। चार नंबर पे लिखिए एन्नौर, सेकेंड नंबर पे लिखवाया हूँ उड़ीसा, उड़ीसा में सेकेंड नंबर कहाँ है, उड़ीसा, क्लियर है। अब नंबर चार प्लीज, कोई भी सवाल पूछेगा तो थोड़ा सा आप लोग, सवाल कैसा भी हो आप, चाहे छोटा हो या बड़ा, मैंने फर्स्ट नहीं बोला था, कोई किसी के सवाल पर मुस्कुराएगा हंसेगा नहीं, नहीं तो फिर होता क्या है ना,
तो फिर वो बच्चा पूछना बंद कर देता। और हम चाहते हैं कि बच्चा पूछे, और ये बात फिर दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक दूसरे का सम्मान करें, हर एक के क्वेश्चंस का सम्मान करें, क्योंकि अपने अपने लेवल से डाउट है तभी तो पूछ रहा है, क्यों जी। चलिए नंबर चार पे लिखिए एनोर पोर्ट, एनोर पोर्ट, एनोर पोर्ट, चार पे लिखिए एनोर, एनोर पोर्ट। एनोर बंदरगाह है भाई, सुनो, एक्चुअली ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, पता है आपको। एक अलग से आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे हम, ट्रांसपोर्ट जब पढ़ाने शुरू करेंगे ना, जब आप एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, तो उसमें आपको अलग से पोर्ट हम पढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल पोर्ट, नेचुरल पोर्ट। तो भैया ये एनोर क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह है, और इसको बनाया गया था चेन्नई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए, चेन्नई पोर्ट के बोझ को कम करने के लिए एनोर पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया था। और एनोर जो पोर्ट है ना, ये जो एनोर पोर्ट है, ये इसका एक और भी नाम है के कामराज पोर्ट। एनोर पोर्ट का दूसरा नाम है के कामराज पोर्ट, के काम राज बंदरगाह, के कामराज। कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे के कामराज, नेहरू जी के मरने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी के कामराज की थी। ये चाहते तो पीएम भी बन सकते थे, इतने बड़े लीडर, इतने पावरफुल, रसूख, दमदार, कि भैया ये प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। प्रॉब्लम थी कि इनको अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्रॉब्लम था। अब भारत में जिसको हिंदी नहीं आता या अंग्रेजी नहीं आती, वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसको हिंदी आना चाहिए। प्रधानमंत्री गुजरात और तमिलनाडु नहीं बनाता, यूपी और बिहार बनाता है। उस आदमी को नेता बनना है तो यूपी, देश का नेता, तो यूपी बिहार में नेता बनना जरूरी है, इसलिए उसको हिंदी भी आनी चाहिए और अंग्रेजी भी आनी चाहिए। इनको दोनों कमजोर था, दोनों नहीं आता था। ये आप एनसीईआरटी पढ़िएगा 11 12 वाली, तो उसमें क्लियर कट ब्लॉक बना के ये बात लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो के कामराज साहब खुद प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने, आगे चल के फूट भी हुआ, इंदिरा गांधी इनके बीच विवाद हुआ, फिर कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कई बार डिवीजन भी कांग्रेस का हुआ है, कांग्रेस डिवीजन होते होते यहां तक पहुंची है। तो के कामराज बहुत बड़े लीडर थे साउथ के, उनके नाम पर एनोर पोर्ट का नाम क्या पड़ा? के कामराज पोर्ट। हो गया। पांच नंबर पे लिखे चेन्नई, चेन्नई पोर्ट। पांच नंबर पे लिखे चेन्नई पोर्ट, चेन्नई। पांच नंबर पे लिखिए चेन्नई पोर्ट, चेन्नई। मद्रास, पहले मद्रास था जी, अब इसका नाम क्या हो गया है? चेन्नई पोर्ट। छह नंबर पे लिखिए तूतीकोरिन, छह नंबर पे लिखिए तूतीकोरिन, तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन पोर्ट। छह नंबर पे क्या लिखिएगा? तूतीकोरिन। सात नंबर पे लिखिए कोच्चि, कोच्चि तो सुना होगा, कोच्चि। सात नंबर पे लिखिए कोच्चि, सात नंबर पर लिखिए कोच्चि, कोच्चि, कोच्चिन या कोच्चि, कोच्चि पोर्ट। सात नंबर पर लिखिए, आठ नंबर पर लिखिए मैंगलुरु, मैंगलुरु पोर्ट। अरे पहले नाम था मैंगलोर, बेंगलोर, अब नाम हो गया बेंगलुरु, मंगलुरु, मैसूरू, कोच्चि पोर्ट, कोच्चि लिख लिया। सात नंबर पर, आठ नंबर पर लिखिए मैंगलुरु, मैंगलुरु पोर्ट, या क्या, किसका चिंजार बता दिए, एक ही नाम बताया, मंगलुरु, बंगलोर का बेंगलुरु, मंगलोर का बंगलुरु नहीं, बंगलोर का बंगलुरु, मैसूर का मैसूरु, ऐसा नहीं सोचिए कि मैसूरू बोल रहा हूँ मैंगलोर का ही नाम, बंगलुरु भी मैसूर का। हम मैंगलोर का पांच छह नाम नहीं बताए, रीजन एक्चुअली हाँ बिल्कुल, मैंगलुरु नाम रीजन से ही हुआ है। इसके बाद उड़ीसा था, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल का नाम बंगला करने जा रहे हैं लोग, पश्चिम बंगाल का नाम क्या कर रहे हैं? बंगला। ये सब डिमांड हो रहा है, हुआ नहीं है। उड़ीसा तो हो गया, उड़ीसा का उड़ीसा हो चुका है। अब आइए नौ नंबर पर, मर्म गोवा। नौ नंबर पर लिखिए मर्म गोवा, गोवा में कौन सा बंदरगाह है जी? मर्म गोवा, मर्म गोवा, मर्म गोवा, मर्म गोवा। अच्छा, गोवा की राजधानी पणजी, पणजी किस नदी किनारे है? मांडवी नदी, वेरी गुड। मांडवी और जुआरी, दो नदी बहती है गोवा में, गोवा में दो नदी बहती है, मांडवी और
जुआरी, मांडवी और जुआरी नदी, तो मांडवी नदी किनारे गोवा की राजधानी पणजी है। मांडवी नदी किनारे जो देखो एक्स्ट्रा बात मिले, और आपको लगता है कि ये हमें नहीं आता या कंफ्यूज हैं, तो नोट करना चाहिए आपको, हम रुक जाएंगे, बोल दिए सर इसको लिखवा दीजिए, है ना, बोलेंगे तब ना। अगला ये दस नंबर पे लिखिए बधावन, दस नंबर पे लिखिए बधवान, बधवान या बधावन एक ही बात है। बधावन या बधवान दोनों नाम आता है, अभी लेटेस्ट है ये पूछा जाए। भारत का अभी हाल ही में एक नया बड़ा बंदरगाह घोषित हुआ है, भारत में अभी हाल ही में एक सबसे न्यूएस्ट लेटेस्ट में अभी हाल में भारत में एक बड़े बंदरगाह, अभी तक 13 बंदरगाह थे भारत में, अभी तक बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी 13, लेकिन अब कितने हो गए 14। महाराष्ट्र का जो बधवान बना है ये नया है, एकदम न्यूएस्ट पोर्ट है ये। पूछा जाए कि 14वां पोर्ट कौन बना है, ये करंट में भी आपका काम आ जाएगा बधवान। 11 नंबर लिखिए, 11 नंबर लिखिए नोहवा सेवा, नोहवा सेवा, नोहवा सेवा, नोहवा सेवा 11th नंबर का जो पोर्ट उसका नाम क्या है, नोहवा सेवा, नोहवा सेवा। और नोहवा सेवा पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं, लेकिन नोहवा सेवा पोर्ट ब्रैकेट देके लिखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये सब भी नोट कर लिए थे क्या आप लोग, अंडमान निकोबार वाली बात भी नोट कर लिए थे, नहीं किए तो करना था ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में, ये तीनों महाराष्ट्र में, ये गोवा के ऊपर क्या है महाराष्ट्र, यहाँ लिखा है MHA, MHA का मतलब क्या होता है महाराष्ट्र, अरे वो गाड़ी का जो नंबर नहीं होता है, गाड़ी का नंबर BR तो बिहार का गाड़ी है, DL लिखा है तो दिल्ली का गाड़ी है, HR लिखा है तो हरियाणा का गाड़ी है, MHA कोड है महाराष्ट्र का, तो MHA में तीनों है तो महाराष्ट्र है। 10 नंबर पर बधावन या बधवान, 11 नंबर पर नोहवा सेवा, जिसे हम लोग आज पहले क्या सॉरी साथ में क्या बोलते हैं इसको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पोर्ट ट्रस्ट। और एक लाइन और लिख लो कि नोहवा सेवा पोर्ट का निर्माण बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए किया गया था, बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए नोहवा सेवा पोर्ट का निर्माण, इसको नोट कर लेते तब ना मिटाते हैं, नोहवा सेवा पोर्ट का निर्माण बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए किया गया था, नोहवा सेवा पोर्ट का निर्माण बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए किया गया था। और पता है आपको बंबई बंदरगाह और नोहवा सेवा पोर्ट के बीच मात्र 12 किलोमीटर की दूरी है, तो आप बोलेंगे सर इतना बड़ा बंदरगाह और मात्र 12 किलोमीटर पर क्यों बना दिए और थोड़ा दूर बनाते, कारण था कि मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करना था, चूंकि पाकिस्तान बट गया तो कराची पर कुछ लोड उतरता था और कुछ बंबई में, अब बट गया तो ऐसी दुश्मनी लेके बटा था, मार काट करके खूनी खून खराबा करके, बोला हम एक सामान नहीं उतरने देंगे, ठीक है बना लेते हैं। तो भैया बंबई का तट ऐसा है, आप देखोगे मछली पकड़ने वाला जो होता है अकुशी, उस टाइप का बंबई का तट है, यहाँ है बंबई बंदरगाह और इस तरफ यहाँ है नोहवा सेवा, नोहवा सेवा बस यही बीच का डिफरेंस है ना, ये बीच में समुंदर है, इस बीच में समुद्र का पानी है, तो बंबई और नोहवा सेवा इस तरीके से है, क्लियर है, इस तट को आप बना लीजिए। हाँ बोलिए, टोम्बलो, देखिए हाँ टोम्बलो अलग चीज होता है, टोम्बलो मैं बता दूं आपको, देखो टोम्बलो क्या है, देखो ये जो आप बनाते हैं ना समुद्र के अंदर जो मिट्टी का जमाव हो जाता है, समुद्र के अंदर जो मिट्टी का, समुद्र के पानी में तट के सामने पैरेलल जो मिट्टी का जमाव होता है उसको क्या बोलते हैं, टोम्बलो, टोम्बलो या फिर उसको बोलते हैं बैरियर, है ना, या फिर हुक, इसको कह सकते हैं आप, तट का निर्माण वो समुद्र के पानी के अंदर बनता है, और क्लिफ जो है ना आप इसको क्लिफ कह सकते हैं, इसको आप क्लिफ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओशियन टोपोग्राफी जब हम पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे क्लिफ क्या होता है, टोम्बलो क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्लियर है, ये सब बताएंगे क्लियर बेहतरीन तरीके से, अभी पढ़ाया हूँ टारगेट वाले बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, रिवर टोपोग्राफी है ना, विंड टोपोग्राफी है ना, कास्ट टोपोग्राफी, ग्लेशियल टोपोग्राफी है ना,
फोटो बना, सबसे बढ़िया तो कॉपी लगता उसी को, उसमें अगर नोट्स बनाए आप तो कॉपी खूबसूरत दिखता है, नहीं? हाँ जी, 12 किलोमीटर मात्र हो गया। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, चाहे तो आप बना ले। अब कुछ लोग करेंगे इसको नहीं बनाए हैं, ये हम ऐसे ही समझाने के लिए नहीं बनाया था, ये आपको बनाने के लिए बनाया था। ऐसा नहीं कि हम अपने लिए बना लिया था इसको, ये मैं बगल में बैरन लिखा हूँ तो ऐसे नहीं लिखा हूँ। और भी आइलैंड है यहाँ पर, अंडमान निकोबार में रोस आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, जिसको हाल ही में मोदी जी ने नाम चेंज किया है, ना हो तो लिख लो इस चीज को, इसको नोट कर लिए, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलिए। 13 नंबर पर लिखे कांडला, अच्छा 12 में मुंबई, बम्बई पोर्ट, 12 नंबर। आप कुछ बता, बोलो बोलो क्या बात है? कोको ये नॉर्थ अंडमान के जस्ट नॉर्थ में, हाँ नॉर्थ अंडमान के ऊपर में नहीं। सुनो, कहीं ज्यादा कंफ्यूजन वाला तो ज्योग्राफी नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है आपको, हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई कि आपको कंफ्यूज। और जो लोग एप्लीकेशन के ऊपर क्लास ले रहे हैं, प्रश्न पूछने से नहीं चूकना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज करके पूछिएगा, मैं मैसेज आपका देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको नोट करने बनाया था, जो लोग नहीं किए नोट कर लो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एग्जैक्टली वही बनाया हूँ जहाँ वो है, वही बनाया हूँ जहाँ वो आइलैंड है। अभी अंडमान निकोबार में 3 और आइलैंड का नाम आप लोग लिखेंगे अलग से, लेकिन अभी बाद में पहले आप लोग लिखिए 12 नंबर पे बम्बई पोर्ट, लिखा बम्बई या मुंबई, अब तो मुंबई है वो, 12 नंबर पे लिखो मुंबई पोर्ट, 12 नंबर पे क्या लिखा मुंबई पोर्ट, और 13 नंबर पे लिखो कांडला, जिसका नाम भी बदल दिया मोदी जी ने, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोर्ट है उसका नाम, आज लिख लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। अभी प्रयागराज इलाहाबाद का नाम कर दिया गया है, कांडला पोर्ट कक्ष में है, गुजरात के ऊपर, देख रहे हैं ना। अब मुझसे मत पूछिए, आप यहाँ फोटो देखिए, चित्र देखिए, कहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे वाले को काठियावाड़, ऊपर वाले को कक्ष, तो कक्ष में है क्यों जी? कांडला पोर्ट का नाम को बदल के क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, मियां बाजार का माया बाजार, हलीगढ़ का हरिगढ़, है ना, सबका नाम धीरे धीरे वो जो है ना, अब धीरे धीरे हम रिफॉर्म हो रहे हैं। जैसे गांव में थे तो नाम था राम अयोध्या प्रसाद, हर शहर में आ गए तो नाम हो गया रॉकी भाई, है ना जी? तो जब शहर में आए तो बोले किसको ढूंढ रहे, राम अयोध्या को, राम अयोध्या तो कोई नहीं रहता इस बिल्डिंग में, रॉकी तो रहता है, रॉकी देखो कोई राम अयोध्या है क्या भाई? अरे राम अयोध्या तुम्ही को ढूंढ रहे थे भाई, रॉकी भाई कह रहे कल से। और शहर में अगर राम अयोध्या अपने नाम बता दिए तो आपका वैल्यू मिलना बंद हो गया, और रॉकी भाई नाम बताएं, अरे रॉकी भाई क्या बात है, स्टाइलिश आदमी है। आजकल नाम से भी आपके एडवांसनेस आधुनिकता का पता चलता है, क्यों भाई? लेकिन हम लोग अपने पुराने नाम को छोड़कर रॉकी हो गए, और गौस अब पुराने नाम की ओर लौट रहे हैं। सीरियल्स में जो नाम है अनन्या, आराध्या, इस टाइप के नाम गर्ल्स का हो रहा है, तो बड़े नामों की ओर लौट रहे हैं, और हम अभी तक बड़े नामों की ओर नहीं लौटे हैं। तो नाम हम लोग बड़ा परिवर्तित किए हैं, जाने दीजिए, यहाँ आते हैं। तो भाई हो गया बैरन द्वीप, हो गया कांडला, एक बात और, पोर्ट ब्लेयर तो लिख चुके हैं 14वां, 14 नंबर पोर्ट ब्लेयर, ये हो चुका है हमारा। हाँ एक बात और लिखवाना था, हल्दिया के बगल में कलकत्ता पोर्ट है, कलकत्ता को नदी बंदरगाह कहा जाता है, कलकत्ता बंदरगाह को क्या बोला जाता है जी? रिवर पोर्ट बोला जाता है, कोलकाता पोर्ट को रिवर पोर्ट कहा जाता है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, पता है ना आपको? कलकत्ता समुद्र के किनारे नहीं है, समुद्र के पास है, समुद्र वहां से 72 किलोमीटर दूर है, 72 किलोमीटर दूर में वो समुद्र है। तो कलकत्ता को बोलते हैं रिवर पोर्ट, हुगली नदी के किनारे है वो, कोलकाता इज नोन एज रिवर पोर्ट, नदी बंदरगाह, कलकत्ता को नदी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, कलकत्ता को नदी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता को नदी बंदरगाह के नाम से भी, रिवर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और कलकत्ता को चलाने के लिए, जैसे सुन लो, थोड़ा सा स्पीड लिखिएगा आप लोग, थोड़ा सा स्पीड लिखेंगे तो हम बहुत कुछ दे पाएंगे आपको, ऐसा लगता है मुझे। तो भैया
जैसे अभी आपने लिखा नौवां सेवा पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं, उसी प्रकार कलकत्ता पोर्ट, कलकत्ता में जितने भी कलकत्ता के आसपास बंदरगाह हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बना हुआ था कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। कौन चलाता था उसको? कलकत्ता बंदरगाह को कौन चलाता था? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, उसका भी नाम बदल दिया हाल में, उसका नाम बदल के कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ये बताना था मुझे, करंट आपको लिखवाना था इसलिए मैं ये बात बोल रहा था। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से कोई लेना देना मेरा नहीं था ज्योग्राफी का खास करके। फिर लिखिए हाल ही में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का भी नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। हाल ही में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के क्या, हाँ इलेक्शन से पहले ही किया गया था ये सब नाम। इलेक्शन से पहले नहीं किया जाएगा तो अब कलकत्ता से क्या मतलब है? बंगाल से पंजाब से मतलब रहेगा अगला सर जहां भी है, क्योंकि लिखिए आगे जाने दीजिए। इस पर हमारा जो है पता नहीं क्यों इधर आप लाते हैं मुझे, हमें मोदी जी की तरफ मत ले आइए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा पता नहीं क्यों बड़ा लंबा दूर का रिश्तेदार है वो, हम चर्चा हो जाती है तो फिर हम चर्चा करने लगते हैं। नेक्स्ट हो गया क्या? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। वैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से बहुत सारा बना है, अभी सुने होंगे जम्मू कश्मीर में एक टनल बना है जो जोड़ता है चेनानी को नासरी से, उसका भी नाम पड़ गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट टनल। मतलब चेनानी नासरी टनल जो बना है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नासरी टनल बना है उसका भी नाम क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। जैसे रोहतांग टनल बना उसका नाम कर दिया गया अटल टनल। सुना होगा आपने, ये सब पढ़ने का विषय, करंट का विषय पढ़ते रहिएगा आप लोग। इसको अगर नहीं बनाया अभी तक तो एक फोटो खींच लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर बना लिए हैं तो हम इसको डिलीट करेंगे। बना लीजिए, ठीक है, सबका हो गया है, ओके वक्त देते हैं भाई। वैसे आ जाएगा, ये डिजिटल है, ऐसे करेंगे तो फिर आ जाएगा, है ना। आगे आते हैं, एक नया चैप्टर हमको एक्चुअली कल माउंटेन पढ़ाना था लेकिन टाइम कम था इसलिए हम उस पर आए नहीं थे। लेकिन हेडिंग डाल दीजिए माउंटेन ऑफ इंडिया। क्या? रोहतांग टनल का नाम अटल टनल। रोहतांग टनल का नाम क्या बताया? अटल टनल। माउंटेन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड नहीं लिखवा रहा हूं, इंडिया, भारत का पर्वत, भारत का पर्वत, भारत का पर्वत। और जो लोग लाइव, फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो लोग लाइव में हैं, जो लोग उस पर हैं एप्लीकेशन के ऊपर हैं, तो उन लोग भी जिस तरीके से आप लोग ऑफलाइन में सवाल पूछ पा रहे हैं वैसे ही आपको भी पूरी छूट है प्रश्न पूछने का। अगर कोई प्रश्न आएगा तो तुरंत मुझे मिल जाएगा वो प्रश्न, इसलिए आप ज़रूर पूछें, क्योंकि मेरे लिए सभी बराबर है। मैं किसी ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में जो बैठे उनको मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, हाँ ये है कि ये सामने बैठे हैं तो ये पूछते हैं तो सीधे मिल जाता है मुझे। आपका एक मिनट या दो मिनट लगेगा मेरे पास आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पूछिएगा। भारत का पर्वत, माउंटेन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात बताऊँ कि भारत का पर्वत पढ़ो आप, ध्यान सुनिए, कोई कहीं कोई आपसी बातचीत मत कीजिए, चूँकि आपके समस्याओं का हल मेरे पास है, है ना, पड़ोसी के पास नहीं है, इसलिए प्लीज़ बात मत करिए। यहाँ देखिए, भारत का पर्वत पढ़ो या दुनिया का पर्वत पढ़ो, कहीं का भी पर्वत पढ़ो, पूरे विश्व में चार प्रकार के पर्वत ही पाए जाते हैं। एक है बलित पर्वत, जिसको हम लोग मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं भ्रंश पर्वत, भ्रंश या भ्रंशोत्स पर्वत, भ्रंश पर्वत, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, या इसी को कहीं कहीं बताएंगे दोनों में क्या अंतर है, हॉर्स माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स, हिंदी में बोलते हैं हॉर्ज, हॉर्ज पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत और हौज पर्वत में क्या बेसिक अंतर है वो हम बताएंगे, तत्काल इसको इसी श्रेणी में रख लीजिए, ठीक है ना, इसका अंतर क्या है दोनों में। पूरे दुनिया में यही चार प्रकार के पर्वत मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता।
पहला है मोरदार पर्वत फोल्ड माउंटेन, इसका एक और भी नाम है अल्पाइन माउंटेन, अल्पाइन पर्वत, क्योंकि एक युग है अल्पाइन युग, एक युग है अल्पाइन युग। वैसे भूगोल की भाषा में बोले तो अल्पाइन, या भूगोल की भाषा नहीं बल्कि आप भूगर्भ की भाषा में बोले तो टर्शियरी पीरियड है, टर्शियरी पीरियड यानी टर्शियरी काल में जो पर्वत बने हैं। आप जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, पूरे धरती के बनने के युग को चार भागों में बांटते हैं जनरली। इसके अलावा उसमें भी कई पार्ट हैं, जैसे सुना होगा आपने एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। वैसे अल्पाइन युग जो है वो सीनोजोइक काल का है, इसको सीनोजोइक पर्वत भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग सीनोजोइक पर्वत भी बोल सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं बोल सकते। मोरदार पर्वत में सबको सीनोजोइक पर्वत नहीं बोल सकते, सभी को अल्पाइन पर्वत नहीं बोल सकते। अल्पाइन सीनोजोइक एक ही बात है, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। आप सीनोजोइक पर्वत बोलो, अल्पाइन पर्वत बोलो, एक ही बात है। लेकिन बलित पर्वत दो प्रकार का होता है, पुराना बलित पर्वत ओल्ड फोल्ड माउंटेन, पुरानी और नवीन, पुरानी और नवीन बलित पर्वत ओल्ड फोल्ड माउंटेन और न्यू फोल्ड माउंटेन। ये जो मैंने लिखा आपको अल्पाइन और सीनोजोइक, ये सिर्फ न्यू का नाम है। नए बलित पर्वत का नाम क्या है, अल्पाइन माउंटेन बोलो या सीनोजोइक माउंटेन बोलो, क्योंकि अल्पाइन एक युग का नाम है, जिस युग में बना इसलिए उस पर्वत का नाम अल्पाइन माउंटेन कह दिया गया। यानी न्यू फोल्ड माउंटेन जो है ना, नया बलित पर्वत, जैसे हिमालय, काराकोरम, रॉकी, एंडीज, एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एल्प्स, ये सब जो नाम ले रहा हूं ये सब फोल्ड माउंटेन का नाम है, पर न्यू फोल्ड माउंटेन का नाम ले रहा हूं, घबराना नहीं है। ये सब जो नाम ले रहा हूं आराम आराम से रुक रुक कर पढ़ाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी तत्काल एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। तो न्यू फोल्ड माउंटेन जो है ना, उसी को सिर्फ अल्पाइन माउंटेन कहेंगे, उसी को सिर्फ सीनोजोइक माउंटेन बोलेंगे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन को नहीं बोलेंगे। क्योंकि ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात अगर करें आप, तो उसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है सेकेंडरी पीरियड में। सेकेंडरी पीरियड का मतलब होता है पेलियोजोइक में। किसमें हुआ भैया? पेलियोजोइक में। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का निर्माण किसमें हुआ है? पेलियोजोइक में। यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन को आप बोल सकते हैं पेलियोजोइक पर्वत, पेलियोजोइक पर्वत बोल सकते हैं आप। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? अब फोल्ड माउंटेन क्या है बाद में, फोल्ड माउंटेन किसे बोलते हैं ये बात की बात है। दूसरा है भ्रंश पर्वत, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन, इसी में एक टाइप आता है, ब्लॉक माउंटेन का एक टाइप है, जिसको हम लोग हॉर्ज माउंटेन कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत मतलब ये कि जब ज्वालामुखी धरती के अंदर से जब लावा निकले और जमा हो जाए पहाड़ जैसा दिखने लगे, लावा जब निकलेगा बाहर तो ऐसे भी तो जमा हो सकता है वो, और जब जमा होकर ऐसे दिखेगा तो कैसा लगेगा, पहाड़ जैसा। तो ज्वालामुखी लावा से जो पर्वत बनेगा उसको बोलेंगे वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। किसी को भाषा को लेकर दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं रहा कि भाई हिंदी वाले भी परेशान हैं, अंग्रेजी वाले भी परेशान हैं? कहीं कहीं ऐसी परेशानी होगी तो एक बार मिलेंगे, है ना, टेंशन लेना नहीं है। और चौथा, ये कोई चौथा जो टाइप है ना, ये कोई टाइप नहीं है, ये कोई स्पेशल टाइप नहीं है, बल्कि ये तीनों पर्वत बनने के बाद हवा से, पानी से, टेम्परेचर से घिसने लगता है, टूटने लगता है। अरावली एक जमाने में ब्लॉक माउंटेन, सॉरी फोल्ड माउंटेन था। अरावली एक जमाने में क्या था? हिमालय जैसा फोल्ड माउंटेन, उसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हुआ करता था। आज अरावली पर्वत पर ही राष्ट्रपति भवन है। आज वो दिन आ गया अरावली का, दुखी दिन आ गया इसका, घिस करके इतना नीचे रह गया कि राष्ट्रपति भवन इसी पहाड़ पर है। अरावली पर्वत का जो विस्तार दिल्ली में है उसी को रायसीना हिल कहते हैं। अरावली पर्वत का ही विस्तार पूरी दिल्ली अरावली पर है। अरावली में जिस हिस्से में राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, पूरा रायसीना हिल का हिस्सा है। रायसीना हिल पर ही क्या है, राष्ट्रपति भवन स्थित है पूरा, बगल में लोकसभा, राज्यसभा, पूरा संसदीय इलाका। अब तो मोदी जी स्टैंडर्ड कर रहे हैं संसद भवन को, सेंट्रल विस्टा, वो पूरा चेंज हो रहा है। इरविन ने जो बनाया, रीडिंग से लेकर इरविन के बीच दो गवर्नरों ने मिलकर बिल्डिंग का बनाया था। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक का निर्माण जो हुआ हमारा, वो बिल्डिंग उसमें पहले वो था नहीं, वो जो बिल्डिंग बना, गवर्नर हाउस था पहले वो, तो जो बिल्डिंग बना ना वो इरविन से, रीडिंग से लेकर इरविन के बीच में बना, वो पूरा अरावली पर्वत पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस से लेकर साउथ कैंपस, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे आप, यूनिवर्सिटी से निकल के चांदनी चौक की तरफ बढ़ेंगे आप तो पूरा पहाड़ आपको दिखेगा।
आप चले जाइए उधर पटेल नगर, जहाँ पर आपका उधर लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज का, राजेंद्र नगर में, तो पूरा वहाँ से निकलेंगे तो लाइन से आपको पहाड़े दिखेगा राजौरी गार्डन तक पूरा, जिधर साउथ कैंपस दिल्ली का है, दिल्ली विश्वविद्यालय का है, तो पूरा वही है। तो अरावली पर्वत एक समय कितना ऊंचा हुआ करता था, आज कहाँ हो गया है ना, घिसते घिसते नीचे रह गया। तो ये सभी पहाड़ एक समय में घिस के नीचे रह जाएंगे, तो उसका एक अलग टाइप नाम दे देंगे। जब घिस के जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट, क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत, अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिड्यूअल माउंटेन, रेसिड्यूअल माउंटेन, क्लियर है। तो यही दुनिया में चार प्रकार के पर्वत है, इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे कैसे बनता है क्या बनता है, इसको डिटेल करेंगे हम कब, जब पढ़ाएंगे आपको वर्ल्ड का ज्योग्राफी वहाँ डिटेल करेंगे, लेकिन तत्काल दिमाग में कैसे बनता है थोड़ी सी बात कर लूँ आपको। एक पेज लीजिए आप, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पर मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा, सीधे आप समझिए कि मैं कुछ ऐसे ही जनरल बात समझा रहा हूँ। एक पेज लीजिए आप, उस पेज को अंदर की ओर दबाइए, पेज लेना नहीं आपको, समझना है, यानी कि पेज फाड़ के हाथ में ले लिया सर बोलिए, उसको आप दबाइए, पेज को दबाएंगे तो कोई भी पेज को अगर दबाए मुलायम पेज को तो बीच से मुड़ जाएगा, बीच से क्या होगा जी, तो जमीन पर भी अगर अंदर की ओर किसी भी कारण से, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से या किसी भी कारण से अंदर की ओर फोर्स लगे तो बीच का जमीन मुड़ जाएगा। तो जमीन के मुड़ने से जो पहाड़ बने उसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। जमीन मुड़ने से जो पहाड़ बने, अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए जमीन है, इसमें अंदर की ओर फोर्स किसी भी तरह से दबाव अंदर की ओर लगा, तो अंदर की ओर दबाव लगने से बीच का जमीन ऐसे मुड़ जाए, तो इस तरह के बने पर्वत को क्या बोलते हैं हम लोग, फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत। इसी तरह से निर्माण हुआ है हिमालय का, इसी तरह से काराकोरम का, रॉकी का, एंडीज का, आपने सुना होगा उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। अफ्रीका में एटलस पर्वत है, यूरोप में आल्प्स पर्वत है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये सब फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल, उस सब का निर्माण इसी प्रोसेस से हुआ है, अंदर की ओर फोर्स लगने से, क्लियर है। ये वाला फोटो आप बना सकते हैं समझने के लिए अपना, थोड़ा सा ही नीचे में बना लीजिए, जगह कम है तो। ये भी बात लिख दिए थे क्या आप लोग, सीनोजोइक अल्पाइन माउंटेन, इसको लिख दिए पेलियोजोइक माउंटेन, पुराना बलित पर्वत को क्या, पुराना वाला का नाम लिखे पेलियोजोइक पर्वत, पेलियोजोइक बताएंगे एक दिन हम, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एक दिन पढ़ाएंगे ही आप लोगों को, उसमें बताएंगे किस युग में क्या बना, और एकदम एक सेकंड में सारा हिस्ट्री याद, जैसे मुझे याद है ये जोइक कभी दो भाग, बायोटिक अबायोटिक, फिर पेलियोजोइक के छह भाग है ना, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, सिल्यूरियन, परमियन, कार्बोनिफेरस, क्यों, उसके बाद ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, उसके बाद प्लायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, उसके बाद कंफ्यूज नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे जिस दिन ना, उस दिन वही याद, कल के बातें नहीं होगा। हमारे क्लास के एक नियम है कि 90% जो हम पढ़ाएंगे वहीं पर याद हो जाएगा, क्योंकि हम जिस टेक्निक से हम भी याद किए हैं, जब हम पढ़े थे तो हम भी टेक्निक लगाए थे, सब इतना कठिन कठिन नाम, अपना नाम पड़ोसी का नाम तो याद नहीं रहता है, ये पेलियोजोइक, मेसोजोइक और कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक, जुरैसिक, जुरैसिक तो याद भी था, जुरैसिक पार्क मूवी देखा था तो जुरैसिक याद था भैया कि डायनासोर आया था उसी युग में डायनासोर आया तो मूवी बना दिया जुरैसिक पार्क, बाकी जुरैसिक के अलावा कुछ भी याद नहीं था, वो सब याद करना पड़ा ट्रिक बना के, कैम्बोडोसिल द कार्बोपर्म। हाँ हाँ, बस ऐसे मटेरियल की बात करेंगे तो ज्वालामुखी पदार्थ ही पाया जाता है। अब बोलेंगे सर फोल्ड माउंटेन में ज्वालामुखी पदार्थ कहाँ से आया, अब बोलेंगे सर ज्वालामुखी पदार्थ आप सुने होंगे, बैठ जाओ, हिमालय में सुना होगा आपने ग्रेनाइट पत्थर से बना हिमालय, बेसाल्ट से बना हिमालय, तो अब ग्रेनाइट बेसाल्ट आया कहाँ से, हिमालय में तो कभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ नहीं है सर, हिमालय के आसपास तो आज तक वहाँ रिकॉर्ड नहीं है कभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, और फिर भी हिमालय में पाया जाता है कौन, ग्रेनाइट बेसाल्ट, ऐसा क्यों, ये हम जब प्लेट टेक्टोनिक बताएंगे तो बताएंगे आपको कैसे आ गया उसमें, दो प्लेट्स टकराते हैं आपस में, दो प्लेट्स टकराते हैं तो भारी प्लेट, टक्कर का नियम है कि भारी प्लेट नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाएगी,
तो भारी प्लेट जो नीचे जाएगी उसमें फोल्ड होगा, नीचे जाते हुए क्या होगा, फोल्ड, जिससे ऊपर के प्लेट में धक्का देगी, जिससे ऊपर के प्लेट में फोल्ड पड़ जाएगा, इसी से बनेगा फोल्ड माउंटेन। लेकिन जो प्लेट नीचे गया वो चला जाएगा इतना नीचे कि गर्मी के कारण वो पिघल जाएगा, वो जहाँ जाकर पिघलेगा उसको बोलते बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन उसका नाम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि बेनी ऑफ एक व्यक्ति थे जिन्होंने उसका खोज किया था उस जोन का जहाँ प्लेट पिघल जाता है, तो पिघला हुआ जोन का नाम पड़ गया बेनी ऑफ जोन। ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, वो आदमी का नाम है ह्यूगो बेनी ऑफ, उसका पूरा नाम था, तो ह्यूगो बेनी ऑफ ने उसकी खोज की थी, इसलिए नाम पड़ गया बेनी ऑफ जोन। और यहाँ कोई चीज़ पिघल जाएगा तो पहले से भी लावा था, ये और पिघल गया तो एक्स्ट्रा लावा होगा, वो निकलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, और कोशिश करके इन अगर निकल नहीं पाया तो इनके फोल्ड्स में आके फंस जाएगा, इनके फोल्ड्स में आकर के फंस जाएगा, इसी से यहाँ पर लावा आ गया, समझ रहे हो बात ना। लेकिन कहीं कहीं ये दोनों प्लेट के बीच में कभी कभी ज़्यादा गैप हो जाता है, कहीं कहीं देखा गया है कि प्लेट के बीच में गैप भी हो गया, तो कहीं कहीं इसमें फंसता तो है ही, साथ में निकलना भी शुरू हो जाता है। जैसे एंडीज पर्वत में आप जाइए, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, इक्वेडोर में वोल्केनो है कोटोपैक्सी, वो एंडीज पर्वत में है, फोल्ड माउंटेन में है, लेकिन क्या हुआ, वहाँ गैप ज़्यादा होगा तो लावा निकल भी गया। तो जहाँ लावा का उद्गार न भी हो रहा है फोल्ड माउंटेन में, अब मिल रहा है लावा का चट्टान, तो क्यों मिल रहा है, समझ में आया, ये बता दिया, क्योंकि नहीं बताते तो वेट करते आप प्लेट टेक्टोनिक आने दीजिए तो पूछेंगे सर से क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब जगह बेसाल्ट मिलेगा, बेसाल्ट वहाँ भी मिलेगा और उसके नीचे जाएगा तो ग्रेनाइट मिलेगा, निचला लेयर मेंटल में जहाँ जाते हैं। बोलो यस यस बिल्कुल 100% न्यू फोल्ड माउंटेन, और भी नहीं न्यू। हम तो ही बोले तो, हम तो क्या बोल रहे हैं, अच्छा हम क्या बोले कि जब किसी भी तरह से अंदर की ओर फोर्स लगे, टकराए किसी तरह से, तो बीच का हिस्सा मुड़ जाता है, तो मुड़ने से जो पहाड़ बने, चाहे जैसे मुड़ उसके बने, मुड़ने से अगर बना तो फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माने क्या होता है, मुड़ना, तो टकराया, तो टकराया तो मोड़ पड़ा ना जी, उनके चट्टानों में मोड़ पड़ा, आप देखे होंगे प्लेट टकराया साइबेरियन प्लेट इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, टकराया तो कई टुकड़ा हो गया और उन टुकड़ों में भी मोड़ पड़ गया, और उन टुकड़ों में मोड़ पड़ा तो वही बना। कई सारा ऊपर में देखिएगा, काराकोरम, कुल्लून, तियन सियन, खिंगन, कई पर्वत ऊपर में देखेंगे आप, सब फोल्ड माउंटेन। क्यों अब कोई दिक्कत, तो उसको कौन टक्कर पर्वत नाम देंगे क्या कोलिजन पर्वत, जाने दीजिए, समझ में आ गया ना, और कोई डाउट। चलिए अब आइए थोड़ा सा और, क्योंकि इस पर हम डिटेल जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि विश्व में, विश्व भूगोल में, विश्व के जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ इसका निर्माण पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक का अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर भी कुछ कुछ समझ में तो आ गया होगा। अब पेज लीजिए फिर से, अब पेज पर एक आदमी को बैठा दीजिए, अब हाथ पे पेज पकड़ लीजिए, एक आदमी को उधर से पकड़वाइए, अब बीच में कुछ को बैठा दीजिए, अब कहिए कि आप इधर से खींच, पेज मजबूत है, मजबूत वाला पेज लीजिए, है ना, और उसको बोले तुम उधर से खींचो, आप इधर से खींचिए, तो बीच से पेज क्या हो जाएगा, फट जाएगा, आदमी नीचे। मान लो जिस पोडियम पर हम खड़े हैं धरती है, यहाँ पर बाहर की ओर फोर्स लगे तो बीच में क्या पड़ जाएगा, दरार, ज़्यादा बड़ा फोर्स लगेगा तो दरार उत्पन्न हो जाएगा, और दरार उत्पन्न होगा तो दो कंडीशन बनेगा, अगर ये बीच का जमीन हम जहाँ खड़े हैं इसमें अगर दरार पड़ गया, अगर ये कमजोर होगा तो किनारे वाले के साथ ही खड़ा नहीं रहेगा, ये धंस जाएगा, क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, या फिर अगर ये मजबूत रहा, किनारे वाला कमजोर रहा, तो ये वहीं रह जाएगा दरार पड़ने के बाद, किनारे वाला ही धस जाएगा, क्यों जी, ऐसा हो सकता है ना कि जो खींच रहा था वही उलट जाए और वो आदमी वहीं रह जाए, तो ये धस जाएगा, अगर ये धस जाए नीचे तो ये जो किनारे वाला भाग जहाँ था वहीं रह जाए, तो हमको कैसा लगेगा देखने, पहाड़ जैसा, पहाड़ था नहीं पर कंपेरेटिवली जो धसा है तुलनात्मक रूप से किनारे वाला क्या लगने लगा, पहाड़ जैसा। तो ऐसे बने पहाड़ को ही बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, क्या बोलते हैं, इसमें दो कंडीशन बनेगा स्टूडेंट, अगर बाहर की ओर फोर्स लगे तो बीच में दरार पड़ेगा तो दो कंडीशन बनेगा, पहला कंडीशन या तो बीच का जमीन धंस जाएगा, यहाँ पर हम धंस गए, या फिर किनारे वाला धंस जाएगा, धंसेगा तो यहाँ भी कुछ आदमी होंगे, ऐसा बात नहीं है, ये कोई पोडियम नहीं धंस रहा है, पूरा जमीन धंस रहा है, पूरी धरती धंस रही है, यही तो कंडीशन होगा ना जी।
अगर दरार पड़ेगा तो क्या होगा, या तो बीच वाला कमजोर है तो बीच वाला धंस जाएगा, अब किनारे वाला कमजोर किनारा धंस जाएगा, तो जो धंस गया इसके तुलना में कैसा लगेगा, पहाड़ जैसा। तो ऐसे बने पहाड़ को ही बोलते हैं बीएम, ब्रांच मैनेजर मत कर देना, ब्लॉक माउंटेन। क्या भैया क्या बनता है, आप लोग पूरा लिख लेना भाई, आप लोग पूरा लिखना, नहीं तो बाद में फिर ब्रांचो मैनेजर हो सकता है कि पता नहीं सर बीएम क्या लिख दिए। आजकल कुछ और में बीएम लिखा हुआ देख रहे हैं, कहीं कहीं कुछ था पता नहीं, कुछ मेजरमेंट में बीएम लिखा रहता है। तो आप यहाँ पर क्या, हाँ कुछ हमेशा ही सुने हैं कुछ बीएम कुछ, अब पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये ब्लॉक माउंटेन और ये ब्लॉक माउंटेन नोट कर लिया, तो ये भी तो उसी तरह बना है भाई। इधर देखो ये जो दूसरा कंडीशन है वो भी तो उसी तरह का बना है, ये भी जमीन धंसने से ही बना है ना भाई। लेकिन दिक्कत क्या है कि थोड़ा बीच का जमीन वैसे ही किनारे वाला धंस गया, तो ये भी ब्लॉक माउंटेन आप बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा सही कब होगा, जब इसको आप हॉर्ज पर्वत बोलिए, क्या बोलिए, जब इसको क्या बोलिए आप, हॉर्ज माउंटेन, ज्यादा सही। क्यों, क्योंकि इसी तरह का, पहले सुन लो तब लिखना, क्योंकि इसी तरह का बना हुआ पहाड़ जर्मनी में है, जर्मनी में, और उसका नाम वहां हॉर्ज था। तो दुनिया में जहां जहां भी ऐसे पर्वत बना उसको बोल दिया गया हॉर्ज माउंटेन, पर ये ब्लॉक माउंटेन ही है। लेकिन आप इसको ब्लॉक माउंटेन लिखेंगे तो गलती भी नहीं होगा, लेकिन हॉर्ज माउंटेन बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा, टीचर को लगेगा कि इसको भूगोल पढ़ा है इसने, इसको आता है कुछ। हॉर्ज माउंटेन, हॉर्ज पर्वत जनरली पाया कहा जाता है कहा, रियल में हॉर्ज माउंटेन का है जर्मनी में, लेकिन जहां जहां ऐसे पर्वत बना, इंडिया में ऐसा पर्वत नहीं, ये वाला है इंडिया में, ये वाला है, ये वाला नहीं, ये पाकिस्तान में आप जाइएगा रॉक साल्ट, पाकिस्तान में सुने होंगे कि बंटवारा हुआ तो चला गया सेंधा नमक का पहाड़, सब खाने पीने से लेकर जमीन तमीन सब लेके कौन गया, क्रीम ले गया पाकिस्तान, है ना, जूट का मिल चला गया बांग्लादेश में, नहीं जूट का खेत चला गया बांग्लादेश में, मिल मेरे यहाँ आ गया, कपास का खेत चला गया पाकिस्तान में, कपास मिल मेरे यहाँ आ गया, समझा रहा है बात ना, जनसंख्या इपिद्दा से लेके गया और सब संसाधन ले गया, अब विकसित नहीं हो पाया, इसके पीछे कारण उनका अपना पर्सनल है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत अगर नीचा दिखा दिया हो गया हमारी वही में जीत है। अभी भारत वर्ल्ड कप हारा 2020 पाकिस्तान से, तो पूछा कि अब फाइनल जब हारा सेमीफाइनल, तो लोगों ने पूछा कि सेमी, भारतीयों ने पूछा कि सेमीफाइनल आप हार गए मुझे अच्छा नहीं लगा, भारतीयों ने कही बात उनसे, बोला कि आप, आपको नहीं अच्छा लगा पर हमको तो अच्छा लग रहा है, बोला काहे, इंडिया को हम हरा दी वही दिन वर्ल्ड कप हम जीत गए थे। बताइए, उनका लक्ष्य है इंडिया हराना खाली, दुनिया को जितना लक्ष्य नहीं है, जिस आदमी का लक्ष्य हो इंडिया को हराना वो इंसान कितना आगे बढ़ेगा, सोच छोटा है, सोच छोटा है, बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान को हराना होता ही नहीं, हाँ यह कि हर मैच को हम हराने के लिए खेलते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होता है फाइनली जीतना। तो हम आगे हैं, देखिए क्रिकेट में भी आगे हैं, हर चीज में उनसे, इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर भी उनसे आगे हैं हर चीज में। चलिए आगे, और क्या दिक्कत है, इंडियन अब जाने ही जाते अपनी तारीफ के लिए, नहीं भी है तो बोल दिए बहुत चीज में आगे। हो गया, समझ में आ गया, हॉर्ज माउंटेन जनरली कहाँ है, इसका एक और एग्जाम्पल पाकिस्तान में रॉक साल्ट, पाकिस्तान में रॉक साल्ट, और इंडिया में जो बता रहा हूं आपको, एक बात और बताइए, थोड़ा सुनिए आप लोग, अगर बीच का जमीन धंसेगा तो अगर ब्लॉक माउंटेन मिलेगा दोनों तरफ, तो जो भी इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन बनेगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल भाई, इस टाइप से जो ब्लॉक माउंटेन बनेगा वो कैसे बनेगा, पैरेलल होगा, इधर हो गया विंध्यन, इधर हो गया सतपुड़ा, इंडिया में विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत किसका एग्जाम्पल है, इंडिया में जो विंध्यन माउंटेन है और सतपुड़ा माउंटेन है वो किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, विंध्यन और सतपुड़ा, एक तरफ वाले को विंध्यन, इंडिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर विंध्यन है यहाँ पर सतपुड़ा, ये विंध्यन हो गया, आई हो गया सतपुड़ा, अब बीच में जो धंस गया जमीन ये वाला पार्ट है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बात, बीच का जमीन धंस गया, इधर वाला विंध्यन, इधर वाला सतपुड़ा, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, ब्लॉक माउंटेन के, इंडिया में हॉर्ज माउंटेन को कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये जो धंसता है ना उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली, क्या बोला जाता है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, जो धंस गया उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। अरे धंसना को हम लोग गांव में जाते हैं तो सुनते होंगे आप लोग भ्रंश, तो उसमें से र हटा देते हैं, ऊपर से बिंदु हटा देते हैं तो जाता भस, यानी सब मकान भस गया, ऐसा सुना आपने, भस गया पूरा मकान,
तो भसना माने धसना, उसी से बना है भ्रंश, रटना पड़ेगा बताओ। यहाँ हम जानते हैं सभी 90% लोगों को जानते हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको गांव के विषय में पता है। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वही तो इंग्लिश में ही लिखा हूँ, बोले नहीं लिखा भी हूँ। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी आता है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। पूछा जाता है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ रिफ्ट वैली से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, धसा हुआ भाग से कौन बहती है। आज दुनिया में सिर्फ दो ही पर्वत नहीं है, सिर्फ सतपुड़ा विंध्य नहीं, जर्मनी में ये जो हॉर्ज पर्वत आपने देखा ना, जर्मनी में ये भी एग्जाम्पल है, और जर्मनी में ये भी एग्जाम्पल है, जर्मनी में दोनों एग्जाम्पल मिलेगा आपको, लेकिन इंडिया में सिर्फ मिलेगा ये वाला एग्जाम्पल। जो धस गया उसको क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली का हिंदी होता है भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। ये ब्लॉक माउंटेन उसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत लिखा तो था ही पहले, क्लियर है ना। जब अंदर बाहर की ओर फोर्स लगे तो दोनों कंडीशन समझ में आ गया सबको, ये दोनों कंडीशन समझ में आया। अब सुनिए, इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा चेंज ही कर लेता हूं। देखो देखो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फोर्स बाहर की ओर लगा तो ब्लॉक माउंटेन और हॉर्ज माउंटेन, अंदर की ओर लगा तो फोल्ड माउंटेन। ऐसा भी तो हो सकता फोर्स ऊपर की ओर लगे, लग सकता है। ऊपर की ओर लगेगा तो बीच का जमीन ऊपर उठ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, धंसेगा कुछ नहीं, बल्कि ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो उठ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा ही उसमें भी बना था, जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा था ना, तो किनारे वाला धंस गया था तो कुछ ऐसा ही दिख रहा था, वो भी ऐसा ही दिख रहा। दोनों का फोटो तो सेम ही लग रहा है यहां से, लेकिन बनने का तरीका में क्या है, अंतर है। इसको तो बोल दिया था हॉर्ज माउंटेन, क्लियर है, लेकिन यहां पर कुछ धस नहीं रहा है, बल्कि एक बीच का जमीन उठ जा रहा है। तो जमीन धस जाए तो उसको क्या बोल रहे थे, रिफ्ट वैली। क्या बोल रहे थे भैया, वैली। और जमीन उठ जाए तो उसको बोलते थे रैंप वैली, रैंप वैली। फिर अंग्रेजी में भी रैंप और हिंदी में भी लिखेगा रैंप घाटी, रैंप घाटी। आपने देखा होगा मॉडल्स कैटवॉक करते हैं, कहां करते हैं कैटवॉक, मॉडल्स वगैरह कैटवॉक कहां करते हैं भाई, रैंप पे। कैटवॉक पता नहीं हिंदी क्या बोलते हैं, कैटवॉक का बिल्ली चाल तो मॉडल्स जहां करते हैं रैंप पे अपना मूवमेंट, वहां से देखिए दर्शक एकदम नीचे बैठा रहता है, है ना। हम बोले जनता जनार्दन में उसको बराबर में रखो, फिर कैसे पता चलेगा वो मॉडल्स हैं आप कुछ नहीं है। तो वही भाई रैंप ये चुराया है मुंबई वालों ने, दिल्ली वालों ने, बड़े बड़े शहरों में चलता है रैंप, कैटवॉक फैशनिंग होता है फैशन, वो रैंप हमसे चुराए हैं। उन सब से हम लोग को लेना चाहिए क्या, पैसा लेना चाहिए कि आप यहाँ से वर्ड चुराए हैं, रैंप वैली। तो हाँ क्या, हाँ कॉपीराइट इशू आ जाएगा भैया, हमारा लिए हैं आप तो यहीं से ले गए हैं, वो रियल बात है, मैं उनसे नहीं लिया। तो रैंप वैली अभी क्या बताया कि दामोदर, नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली से बहती है, लिख लिया आप लोगों ने, नर्मदा ताप्ती एंड दामोदर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। एंड अब पूछा जाए आपसे कि रैंप वैली से भारत में कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू रैंप वैली। रिफ्ट वैली से तीन नदी कौन कौन बताया, नर्मदा, ताप्ती एंड दामोदर। रैंप वैली से एकमात्र नदी, इंडिया की एकमात्र नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, कौन बहती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जहां से बहती है ना वही ऊंचाई पर है, और जो लोग रहते हैं वो नीचे रहते हैं, इसीलिए सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा बार इंडिया में पूछा जाए कौन सी नदी में आता है, तो ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र में ज्यादा और जल्दी बाढ़ आने का कारण क्या है, जहां से बहती वही ऊपर है, नदियों ऊपर है, आदमी नीचे रह रहा है, तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो बाहर निकल जाएगा पानी। तो ब्रह्मपुत्रा में सबसे ज्यादा फ्लड आने की वजह क्या है, क्योंकि ये बहती है रैंप वैली से, क्योंकि ये बहती है रैंप वैली से। और एक चीज और आ ही गया बात, तो और लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा फ्लोस थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क। ब्रह्मपुत्रा देखो, ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी होकर बहती है। अब अगला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोस थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क।
वो मिडिल इंडिया, होल द पार्ट देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये गुजरात है, यहाँ से झारखंड तक, यहाँ से झारखंड तक, गुजरात से झारखंड, गुजरात से झारखंड, बीच हाँ पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया को हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि पेनिनसुला का डिफिनेशन होता है कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो साउथ इंडिया पूरा तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो इसको साउथ इंडिया बोलिए या इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलिए, बात एक ही है। आज इसका विस्तार विंध्यन का गुजरात से झारखंड, और सतपुड़ा का भी गुजरात से झारखंड, बीच में स्टेट मिलेगा, नॉर्थ झारखंड में विंध्यन और साउथ झारखंड में सतपुड़ा, और विंध्यन को ही झारखंड में पारसनाथ बोलते हैं और सतपुड़ा को झारखंड में राजमहल बोलते हैं। ये सब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, ये सब अलग अलग डिटेल डिटेल अलग होगा, इन सभी पर्वतों को डिटेल में करेंगे, तत्काल इतना समझिए। अगला पॉइंट समझिए, आप लिख लिया आप लोगों ने इसको, ब्रह्मपुत्रा फ्लोस थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला गैंडा, एक सिंह वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो, राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, काजीरंगा, बस जानने दीजिए इस बात को। अब हम लोग आते हैं ज्वालामुखी पर्वत क्या है। एक्चुअली लावा जो निकलता है ना, वो दो तरीके से निकलता है, ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उसके निकलने का दो तरीका है, या तो पूरे जमीन में फिशरीज उत्पन्न हो जाए, दरार का मतलब क्या होता है फिशरीज, तो दरार उत्पन्न हो जाए, बड़ी बड़ी दरारें उत्पन्न हो जाए, या कोई छोटा सा सेंटर हो, लावा या तो इन सेंटर से निकलेगा बाहर, या तो फिर इस दरार से बाहर निकलेगा, आप खुद फील कीजिए। ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कि ज़्यादा फोर्सली लावा, जो लोग एप्लीकेशन पे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कुछ जवाब देने का मन हो तो आप नीचे जरूर जवाब लिख सकते हैं कमेंट में, केवल क्वेश्चन नहीं पूछना है, अगर आपको लगता है कुछ आंसर सर को दें तो आप आंसर अपना लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगर लावा फोर्सली देखा जाए तो किससे निकलेगा, सेंट्रल वाले से या फिर फिशरीज वाले से? तो ज्वालामुखी दो प्रकार का, एक होता है सेंट्रल इरप्शन वाले ज्वालामुखी, सेंट्रल इरप्शन वोल्केनो एंड फिशरीज इरप्शन वोल्केनो। ठीक है, तो इससे लावा काफी तेजी से निकलेगा। अब जब लावा काफी तेजी से निकलेगा, जाहिर सी बात है, तो वो जमा होगा किस तरीके से, कोनिकल शेप में, यानी कि कोन के शेप में जमा होगा, काफी ऊंचाई तक जाएगा, वो फैलेगा नहीं, और जो लावा निकलेगा स्पीड में नहीं, वो क्या होगा, टेबुलिस शेप में जमा हो जाएगा। क्लियर है? तो जब लावा कोन के शेप में जमा हो जाए तो इसी को बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। लेकिन अगर लावा टेबल के शेप में जमा हो जाए तो उसे बोलते हैं ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार, यानी वोल्केनिक प्लेट्यू। क्लियर है, समझ गए बात? अब सुनिए, अगर यही शेप महासागर के अंदर बने तो इसको बोलते हैं सी माउंट, क्या बोलते हैं इसको, सी माउंट, और यही शेप महासागर के अंदर जमीन पर बने तो इसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन, जैसे कांकागुआ, कोटोपैक्सी, चिम्बेराजो, स्ट्रामबोली। लेकिन अगर जमीन के बाहर बने तो वोल्केनिक माउंटेन, जमीन के समुद्र के पानी के अंदर बने तो उसी को क्या बोलते हैं, सी माउंट, और अगर यही प्लेट्यू समुद्र के अंदर बने तो इसी को बोलते हैं गियोट, क्या बोलते हैं, गियोट। इसी तरह का टेबुलिस शेप ज्वालामुखी के कारण कहाँ बन जाए, समुद्र के पानी के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, पठार नहीं, उसे क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी की भाषा में गियोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गियोट, इसको बोलेंगे हम लोग सी माउंट समुद्र के अंदर, ये ज्वालामुखी पर्वत है। और अवशिष्ट पर्वत में बता चुका हूँ कि ऊपर के तीनों पर्वत जब घिस जाए, घिस के काफ़ी नीचे रह जाए तो उसे हम बोलते हैं रेसिड्यूअल माउंटेन, जैसे अरावली एक समय में फोल्ड माउंटेन था, आज वो क्या है, रेसिड्यूअल माउंटेन है। उसी प्रकार विंध्यन सतपुड़ा, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन हैं, एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन के हैं, बट एट प्रेजेंट इट इज इन रेसिड्यूअल फॉर्म। क्लियर है? समुद्र में ये जो यही पहाड़ सेम माउंटेन अगर जमीन के ऊपर बनता है तो उसको ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे, यही पर्वत पानी के अंदर बनता है तो उसको सी माउंट कहेंगे, और ये अगर इसी तरह का टेबुलिस शेप जमीन पर बने तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी पठार, अब पानी के अंदर बनेगा तो उसको गियोट कहेंगे। क्लियर है?
किसका, ये तो बताइए इसका एग्जांपल, अभी बताइए, कांकागुआ, कोटोपैक्सी, ये कांकागुआ कोटोपैक्सी हो गया, ठीक है, ये टाइप्स हो गया, ये बेसिक डेफिनेशन बताया जो कि आपको समझ में आ जाए होता क्या ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लिखना था क्या वो, चलिए आज इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इस क्लास को हम लोग। अच्छा, माउंटेन की डिफिनेशन बच्चों ने पूछा है, माउंटेन की डिफिनेशन है भाई कि ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप, ऐसा कोई भी, सुन लो, ऐसा प्लीज बात ना करें, ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप, इंसान द्वारा बनाया गया नहीं, नेचुरल, ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप जो देखने में नुकीला लगे, शंकु जैसा लगे, कोन जैसा लगे, और जिसकी ऊंचाई सागर तल से 1000 मीटर हो, तो उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप जो देखने में शंकु जैसा लगे, ध्यान से देखिएगा, शंकु जैसा लगे और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से, हम अपनी धरती की ऊंचाई हम लोग सी लेवल से ही मापते हैं, और सी लेवल हम लोग चेन्नई का लेते हैं, मद्रास के सी लेवल से, आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे, आप बस स्टैंड पे जाते होंगे, रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, तो हाइट लिखा रहता सी लेवल से, SL इतना मीटर, ऐसा देखा होगा आपने लिखा हुआ, तो ये जो SL होता है ना, वो चेन्नई का सी लेवल होता है, यहाँ से इसकी हाइट मिनिमम 1000 मीटर हो, तो उसे हम बोलते हैं माउंटेन, जिसका जो देखने में शंकु जैसा दिखे, जो देखने में कोन जैसा दिखे, या जिसकी ऊंचाई हाइट सी लेवल से 1000 मीटर हो या उससे ऊपर हो, तो उसे माउंटेन। लेकिन अगर आप सवाल पूछते हैं कि सर इससे नीचे हो तो क्या बोलेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा शेप दिखे और उसकी हाइट 1000 से कम हो, तो उसको बोलते हैं हिल, क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी, ठीक है, हो गया क्लियर। वोल्केनिक प्लेट्यू का एग्जांपल, डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन के लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेट्यू इज एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक प्लेट्यू, डेक्कन लावा प्लेट्यू, स्टूडेंट, डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, ये बैसाल्ट लावा से बना हुआ है। मैं बता दूं कि क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस पीरियड में 16 डिग्री लेटिट्यूड के पास इंडिया में भयानक लावा का उद्गार हुआ था, और उसी लावा के उद्गार से इस प्लेट्यू का निर्माण हुआ है, डेक्कन लावा प्लेट्यू इसका नाम भी है। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है, तो डेक्कन लावा प्लेट्यू भारत का सबसे बड़ा पठार भी है, डेक्कन लावा प्लेट्यू इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू पूछा जाए तो डेक्कन लावा प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू का एग्जाम्पल पूछा जाए तो डेक्कन लावा प्लेट्यू, और इसका विस्तार सबसे ज्यादा है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितना विस्तार है इसका, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और भारत का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू ये भारत में थोड़े ना है, भारत का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू लद्दाख का पठार, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, पढ़ के आइए, मेहनत।